हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं राहुल नर्सिंग एकेडमी चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है और आज एक नई अमेजिंग क्विज के साथ हाजिर हूं जो कि फिजियोलॉजी पोर्शन से है। तो शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी घंटे को दबा लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फिजियोलॉजी पोर्शन क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेम इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी बोन मैरो। तो प्लीज गैस करें एंड कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हेम इज कन्वर्टेड इन टू बिलिरुबिन इन द स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, thrombogen is produced mainly by which of the following? Option A vascular endothelium, option B platelets, option C liver, and option D damaged tissue. So please guess kare, and the right answer is option A endothelium. सॉरी, हाँ, एंडोथेलियम राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्लड फ्लो थ्रू ए वेसल वेरीज डायरेक्टली विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी प्रेशर टू डिफरेंस, ऑप्शन डी लेंथ ऑफ वेसल। सो गैस करें एंड द राइट आंसर इज प्रेशर ऑफ डिफरेंस। ब्लड फ्लो थ्रू ए वेसल वेरीज विद प्रेशर ऑफ डिफरेंस, सो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। आप कमेंट करके बताओगे आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एम्स में आ भी चुका है। कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्री स्टार देन लाइक क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए मीन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी पल्स प्रेशर। सो कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू मीन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन ए द राइट आंसर दोस्तों। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए सिस्टोलिक प्रेशर इनटू पल्स, ऑप्शन बी डायस्टोलिक प्रेशर इनटू पल्स रेट, ऑप्शन सी पल्स प्रेशर इनटू पल्स रेट, ऑप्शन डी कार्डियक आउटपुट इनटू द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो गैस करें आंसर और कमेंट करें चैट बॉक्स में। And the right answer is cardiac output into peripheral resistance. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Again very important question, AIIMS pattern type question, true about blood flow in various organ is option A liver, kidney, brain, heart. Option B liver, brain, किडनी, हार्ट।
ऑप्शन सी किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर। ऑप्शन डी लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी। तो गैस करें आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मीन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार देन लाइफ क्वेश्चन है। कमेंट करें अगर आपको आंसर पता है तो। मीन लाइफ ऑफ आरबीसी इन ट्रांसफ्यूज ब्लड इज, यहां पे मिसप्रिंट हो गया, ट्रांसफ्यूज कर लेना। ट्रांसफ्यूज ब्लड इज, मीन लाइफ ऑफ आरबीसी इन ट्रांसफ्यूज ब्लड इज ऑप्शन ए 120 डे, ऑप्शन बी 100 डे, ऑप्शन सी 60 डे, ऑप्शन डी 35 डे। तो प्लीज गेस करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द मीन लाइफ ऑफ आरबीसी इज 35 डेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन 5 स्टार देन लाइक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर इज इंडिकेटेड इफ पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर एक्सीड्स, ऑप्शन ए 5 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन बी 100 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन सी 15 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन डी 20 mm ऑफ एच जी। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कब इंडिकेट की जाती है, जब पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर कितना बढ़ जाता है। तो गैस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और अप्लाइड क्वेश्चन है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो गैस करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इंडिकेट तब करते हैं जब पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर 20 mm ऑफ एचजी को एक्सीड कर जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें और अपने सोशल ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टार्ट व्हेन, ऑप्शन ए ऑन फूड एंटरिंग स्टमक, ऑप्शन बी ऑन फूड एंटरिंग इंटेस्टाइन, ऑन सीइंग फूड, एंड ऑप्शन डी ऑन स्ट्रेस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके बताएं, सोच समझ के आंसर देना। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब तक गल्फ होने बंद नहीं होंगे, करप्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सेफेलिक फेज स्टार्ट व्हेन वी सी द डेलिशियस फूड और आवर फेवरेट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द बाइल इज फॉर्म्ड एट रेट ऑफ हाउ मेनी ml पर आवर इन ए लीवर, इन लीवर। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40 ml पर आवर, ऑप्शन सी 80 ml पर आवर। क्वेश्चन में पूछा है कि बाइल कितनी रेट पे फॉर्म होता है, कितने ml पर आवर इन लीवर। तो ऑप्शन सी था 80 ml, एंड ऑप्शन डी 100 ml। तो गैस करें आंसर, एंड द राइट आंसर इज 20 ml पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल कहाँ होता है, ऑप्शन ए जेजिनम, ऑप्शन बी ड्यूडेनम,
ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी कॉलोन। तो गैस करें आंसर को एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल अक्कर इन इलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो प्लीज गैस करें। सो द हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सीन इन, आंसर कमेंट करें चैट बॉक्स में दोस्तों, और आंसर हो जाएगा यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द ब्लड टेस्टिस बैरियर इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए सर्टोलि सेल, ऑप्शन बी लीडिंग सेल्स, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस एंड ऑप्शन डी वास डिफरेंस। तो सर्टोलि सेल्स फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोलि सेल वो फॉर्म करती है ब्लड टेस्टिस बैरियर को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एम्स पैटर्न टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ACTH इज इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एक्सरसाइज, ऑप्शन बी इमोशंस, ऑप्शन सी इवनिंग, ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ACTH इंक्रीज इन एक्सरसाइज, यस ऑफ कोर्स ट्रू। ऑप्शन बी इमोशंस, यस ACTH इज इंक्रीज इन इमोशन स्टेट लाइक टू मच यूफोरिया कंडीशन में ACTH बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इवनिंग रॉन्ग आंसर, तो एक्सेप्ट में पूछा है तो ये हो जाएगा राइट आंसर, और ट्यूमर के केस में ACTH बढ़ता है। ओके दोस्तों, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, फैला दो इस वीडियो को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। ऑप्शन ए लीडिंग सेल्स, ऑप्शन बी सर्टोलि सेल्स, ऑप्शन सी यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी मायोमेट्रियम। तो गैस करें आंसर, और यहां पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय सर्टोलि सेल्स। गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज अभी लाइक कर दो और फटाफट अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को फैला दो, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं आप सभी के लिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ फॉलोइंग आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इनमें से कौन सी आर्टरी की ब्रांच होती है। ऑप्शन ए सर्कमफेरेंस आर्टरी, ऑप्शन बी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ऑप्शन सी राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, कमेंट करो दोस्तों
फिर मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड बाद। तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे हो जाता है सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द फोर फुट अकर्स एट ऑप्शन ए सबटेलर जॉइंट, ऑप्शन बी मिड टार्सल जॉइंट, ऑप्शन सी इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, ऑप्शन डी नन। सो एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द फोर फुट अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कमेंट करें चैट बॉक्स में अगर आपको पता हो। तो नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपने आंसर माना है बी को तो आप एकदम सही हो। एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ फोर फुट अकर्स एट मिड टार्सल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पेन फ्रॉम द हिप जॉइंट इज रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ऑप्शन ए बैक, ऑप्शन बी नी जॉइंट, ऑप्शन सी काफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। कमेंट करें दोस्तों क्या हो सकता है आंसर। सो पेन फ्रॉम द नी जॉइंट इज रेफर्ड टू, पेन फ्रॉम हिप जॉइंट इज रेफर टू नी जॉइंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन 5 स्टार देंड लाइक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है स्प्रिंग लिगामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए कैलकेनो नेविकुलर लिगामेंट, ऑप्शन बी कैलकेनो क्यूबॉइड लिगामेंट, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स टिबियो फिबुलर लिगामेंट, ऑप्शन डी टैलो कैल्केनल लिगामेंट। सो स्प्रिंग लिगामेंट बोलते हैं टैलो नेविकुलर जॉइंट को। याद रखना दोस्तों स्प्रिंग लिगामेंट बोलते हैं टैलो नेविकुलर जॉइंट को, टैलो नेविकुलर लिगामेंट को बोलते हैं स्प्रिंग लिगामेंट, ये अदर नेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर इज, वेनस है दोस्तों, वेनस प्रेशर इज ऑप्शन ए 5 to 8 mm of Hg, ऑप्शन बी 6 to 12 mm of Hg, ऑप्शन सी 12 to 15 mm of Hg, ऑप्शन डी 45 mm of Hg। तो कमेंट करके बताएं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन पसंद आए हैं, तो आप कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट टॉपिक। अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने सोशल ग्रुप्स में वीडियो को फैला दो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार। तब अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।